नमस्कार। मानव जीवन में सेवा होना बहुत जरूरी है और एक दूसरे के काम आना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा तो भगवान ने सबको दिया है, लेकिन मानव सेवा भी कहीं ना कहीं ऐसा रूप ले लेती है। 1, 2, 3, 4, 10 जने मिलकर ऐसी संस्था चलाते हैं। हम बात करते हैं संजीवनी बना साईनाथ कोविड सेंटर। ऐसे तो 2020 से कोविड-19 ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, पूरे देश को जकड़ रखा है। धीरे धीरे अब रिकवरी होने लगी है, कोविड के जो केस है वो कम होने लगे हैं। ऐसे में भारत का आंकड़ा जो है वो 40 करोड़ का संक्रमित माना जा रहा है, 6 लाख लोगों की मौत होना बताया है। ऐसे में झालावाड़ जिले के सीमावर्ती भवानी मंडी के समीप मंदसौर जिले के भैसोदा नगर में साईनाथ कोविड सेंटर के नाम से एक नया उजाला शुरू हुआ। उस उजाले में रोशनी की तलाश में वहाँ कोविड मरीज पहुँचे और धीरे धीरे साईनाथ कोविड सेंटर बन चुका। बात हम भामाशाहों की करें, बात हम जनप्रतिनिधियों की करें, तो सबने बढ़ चढ़ कर इस साईनाथ कोविड सेंटर में अपनी भागीदारी निभाई और जीवन बूटी देने का काम जो है इन भामाशाहों ने किया। हम बात करते हैं साईनाथ कोविड सेंटर की। जिस तरह से साईनाथ कोविड सेंटर ने एक कोविड सेंटर बनाकर मंदसौर जिले में नहीं, कहीं ना कहीं पूरे झालावाड़ जिले और मंदसौर जिले में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। उन कोरोना जिससे जो संक्रमित लोग हुए हैं उनको ठीक होने का कार्य किया। ऐसे में जन समिति बनी है, एक भामाशाहों की टीम बनी है, उन्होंने मिलकर कंसेंटर डोनेट किए हैं, ऑक्सीजन डोनेट करवाई है और इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देने का काम प्रतीक जैन ने भी किया। जब हमारी बात संस्थापक से हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसे तो साईनाथ नर्सिंग है और कई समय से हम लोग चला रहे हैं, लेकिन ये उपज जो है साईनाथ कोविड सेंटर की हमारे मन में आई और 3 डॉक्टरों ने मिलकर इस पूरे कोविड सेंटर को संभाला है। हम बात करते हैं वहाँ के मरीजों की, तो लगभग अब तक जो है 40 मरीज होकर ठीक होकर घर गए हैं और अभी भी वर्तमान में 10 से 12 15 केस वहाँ एक्टिव है जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे में हम मध्य प्रदेश शासन की बात करें तो नगर परिषद के सुरेश कुमार यादव यानी कि CMO ने वहाँ बहुत अच्छी हेल्प की है और मध्य प्रदेश शासन से जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको देने का काम भी किया है। सांसद सुधीर गुप्ता ने भी कोविड सेंटर का निरीक्षण किया, विधायक देवीलाल धाकड़ ने भी कंसेंट्रेटर भामाशाहों से दिलवाए और कोविड सेंटर को संचालक करने की बात करी और धीरे धीरे नगर भैसोदा नगर परिषद के जनप्रतिनिधि और भामाशाह मिलकर एक टीम बनाई और टीम बनाकर उस कोविड सेंटर को चलाने का कार्य किया और वहां डोनेट किया। अगर हर इंसान की सोच किसी की मदद करना हो जाती है तो एक वो टीम बन जाती है और टीम बनकर जो काम करती है उसकी बांधगी अलग होती है, उसकी सादगी अलग होती है। और यही कार्य जो है भैसोदा नगर परिषद के भामाशाह कर रहे हैं। उनसे हमारे एंकर स्वप्न जैन ने बात की तो भामाशाहों ने सबने अपनी बात कोविड सेंटर को कैसे चलाना है उसको लेकर जिक्र किया, कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से ये कोविड सेंटर चल रहा है। तो देखते हैं स्वप्न जैन एंकर के साथ किस तरह से भामाशाहों से वो साईनाथ कोविड सेंटर पर बात कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक महोदय ने हम साईनाथ कोविड सेंटर के जो भी नागर साहब हैं वो हिमांशु जी हैं जिनसे संपर्क करा, ये लोग भी तैयार हो गए क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में बेड हैं और नर्सिंग स्टाफ भी है और कोविड सेंटर में सारी सुविधाएं हैं। हमारे माननीय कलेक्टर महोदय, SDM साहब
सब से पूछ के तहसीलदार साहब हम सब लोगों ने फिर यहाँ पर कोविड सेंटर की शुरुआत करी, जिसमें एक कोविड सेंटर समिति बनी। यहाँ की जो भी माननीय जो लोग हैं, इन लोगों ने एक समिति बनाई, उसमें काफ़ी योगदान इनका भी रहा। नगर परिषद की तरफ से साफ सफाई, विद्युत, टेंट और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। खाना है, साफ सफाई है, एनवायरनमेंट है, जो वातावरण शुद्ध वातावरण है, वहाँ शाम को पूजन वगैरह होती है, जो आरती होती है उसमें सभी को मतलब योग वगैरह सभी करवाया जाता है, और उनको स्वस्थ वातावरण और उनकी इच्छा शक्ति, जो कोविड से जो आदमी घबरा के जो आता है उसको ऐसा वातावरण दिया गया है कि वो ठीक होके उसमें इम्यूनिटी पावर अंदर से जागृत हो, ताकि वो ठीक होके अपने घर अच्छी तरह से जा सके। दुष्यंत जी, जैसा कि हमने सुना कि साईनाथ कोविड सेंटर जो है वो एक मिसाल के तौर पर पूरे क्षेत्र में उभरता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ प्रशासन की भागीदारी है बल्कि जनता का भी इसमें पूरा सहयोग है, तो जनता का और भामाशाहों का क्या सहयोग है, ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी हमारे दर्शकों के लिए डालिएगा। जब इसकी शुरुआत हुई साईनाथ कोविड सेंटर की, चूँकि मेडिकल की जो दिक्कतें आ रही थी उससे ये पूरा क्षेत्र जूझ रहा था, लोगों को बहुत दूर जाना पड़ रहा था, पर जब ये सौगात मिली, सौगात ही कह सकते हैं कि ऐसे समय पर सौगात मिली प्रशासन के द्वारा, तो समितियों का निर्माण हुआ। और ये केवल छोटी सी हमारी एक जो कह सकते हैं, हमने एक मुहिम सभी लोगों ने मिलकर चलाई, तो उसका इतना अच्छा हमें रिस्पांस मिला कि बिना मांगे इतना मिला कि हमें यहाँ संसाधन जुटाने में तकलीफ नहीं आई। किस किस तरीके की चीज़ें, किस किस तरीके के संसाधन आपको उपलब्ध हुए? सर, हमें ग्रामीण क्षेत्रों से और जैसे कि दोनों नगर परिषद के पूरे क्षेत्र से समितियों द्वारा राशि एकत्रित कर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए, समितियों के द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध करवाई गई। कुछ समिति जो लोग हैं बाहर के वो आए, कई समिति के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा फल फ्रूट वितरण भी किए जा रहे हैं डेली, सुबह शाम हल्दी का दूध वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है समिति के माध्यम से। सुबह शाम अदरक और तुलसी की चाय पेशेंट, नर्सिंग स्टाफ और अटेंडर के लिए भी उपलब्ध कराई जा रही है। नगर परिषद के द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है जो काफ़ी गुणवत्ता युक्त है, क्योंकि हमने उन लोगों से बात की है जो अटेंडर है, उनसे बात की कि भोजन कैसा आ रहा है, तो सभी का कहना था भोजन बहुत अच्छा रहा है, घर जैसा भोजन मिल रहा है। तो चूँकि शहरी क्षेत्र से काफ़ी दूर है, एक एकांत में है, तो वहाँ एक अच्छा वातावरण भी मिलता है, तो इस तरह से सहयोग मिल रहा है और हर गाँव ग्रामीण के आखिरी छोर से हमें सहयोग मिल रहा है। तो लोकेश जी, आप हमें ये बताएं कि जब हम आंकड़ों पर बात करें, आंकड़ों की चर्चा की जाए, तो कितनी तारीख से हमारा सेंटर खुला हुआ है, कितने मरीज अभी तक आ चुके हैं, कितने डिस्चार्ज हुए, कितनी कैजुअलिटी हुई, ये सब पे ज़रा आप रोशनी डालें। 8 मई को ये कोविड सेंटर शुरू हुआ था और 45 के लगभग यहाँ पे मरीज आए हुए हैं। 18 मरीज यहाँ से आगे रेफर भी किए हैं जो गंभीर रूप से गए थे, 7, और काफ़ी अच्छा उपचार चल रहा है, बाकी यहाँ उपचाररत भी है अभी, और अच्छी सेवाएँ चल रही है साईनाथ कोविड सेंटर की। हमें ऑक्सीजन के बारे में मालूम पड़ा, हमें कंसंट्रेटर वगैरह के बारे में मालूम पड़ा, लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्स, एक मेडिकल टीम की जो ज़रूरत है इस पूरी परिस्थिति को संभालने के लिए, तो मेडिकल टीम के अंदर साईनाथ कोविड सेंटर में कौन कौन लोग अभी मौजूद हैं, कौन कौन लोगों की सेवा हमें मिल सकती है, कितने डॉक्टर्स हैं, कितना नर्सिंग स्टाफ है, इसके बारे में ज़रा बताएँ। नर्सिंग स्टाफ अभी फिलहाल जिस हिसाब से बना हुआ है। अभी हमारे पास वर्तमान में 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं, और चूंकि साईनाथ नर्सिंग कॉलेज में ऑलरेडी वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित है, उपलब्ध है, तो पैरामेडिकल सपोर्ट हमें साईनाथ मेडिकल कॉलेज से मिला, प्रशासन से हमें 2 डॉक्टर मिले जी। तो कौन कौन भामाशाह इस पूरे सेंटर के शुरुआत में जुड़े रहे और उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में आप ज़रा बताएँ सर। विधायक जी के प्रयास से अपने 11 जनों की समिति से स्टार्ट करा था। उस समिति में भेसोदा मंडी और भवानी मंडी के लोग शामिल थे। उसके बाद में हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इसके अंदर इतने बड़े भामाशाह 100 रुपये की रसीद से लेकर के दिल खोल के सहयोग करने वाले भी सामने आए, जिससे सारी व्यवस्थाएं भी थी।
सर, जैसा कि जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था कि जब आप लोग घर घर चंदा इकट्ठा करने के लिए गए, तो उस दौरान क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी यादगार आप लोगों के लिए बनी? जैसे भेसोदाओं का बताया था, जो खुद पेशेंट थे कैंसर पेशेंट, उन्होंने भी अपने को बुला करके और 100 रुपये का जब उन्होंने योगदान दिया, हमारी समिति की नज़र में वो 100 रुपये का योगदान सबसे बड़ा योगदान था, जो खुद इस चीज़ से जूझ रहे हों। उसके बाद में भी उनके मन के अंदर ये है कि समिति एक अच्छा काम कर रही है, सरकार एक अच्छा काम कर रही है, उसके अंदर मेरा भी कुछ ना कुछ सहयोग होना चाहिए। मनोज जी, ये समिति जो है, क्या ये स्थायी है या ये सिर्फ कोविड के लिए बनाई गई है और फिर इसके बाद इसे विसर्जित कर दिया जाएगा? अभी तक तो हम लोग का सभी का प्रयास है कि हम जुड़ाव बना रहे हैं। हमारा काफ़ी मेहनत के बाद हम सब लोग आपस में एक दूसरे से आज जुड़े हैं। सभी वर्ग के लोग हैं, जिसमें भवानी मंडी, बेसुदा मंडी और प्लस बेसुदा गाँव से जो हम लोगों ने एक टीम बनी है, वो काफ़ी अच्छी टीम है। सभी वर्ग के लोग हैं, सभी अपना अपना एक ओहदा रखते हैं, सभी अपना लेवल रखते हैं। हमको जब सहयोग प्रदान हुआ, सबसे पहले तो 1 लाख रुपए समथिंग की जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन आती है, वो हमको सिर्फ एक छोटे से मैसेज के थ्रू गोविंद जी गुप्ता द्वारा 5 मिनट के अंदर ला के दे दी गई। जब पता चला हमारे नवीन जी जयसवाल, जयसवाल इलेक्ट्रिकल वाले हैं, उन्होंने भी हमको बोलते ही हाथों हाथ एक मशीन अवेलेबल, मतलब सेम डे अवेलेबल थी उनके पास, वो हमको लाकर दी, तो हमको बहुत बड़ा उससे सपोर्ट मिला और हमने हैंड टू हैंड हमारा कोविड सेंटर रनिंग में आ गया और हम लोगों को पेशेंट्स को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। हमारे पास मेडिकल टीम ऑलरेडी अवेलेबल थी शुरू से, फिर धीरे धीरे जुड़ाव होता गया। बेसुदा गांव से भी हरीश जी के द्वारा एक टीम बनाई गई, वहां से कलेक्शन शुरू हुआ, उन्होंने हमको बताया था हम लोग भी कलेक्शन कर रहे हैं और इसके सहयोग में ही हम भी आना चाहते हैं। तो उन लोगों ने, उनके कलेक्शन से हमको सबसे बड़ा बेनिफिट मिला, जब इस टाइम पर ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे तो 80-80 लीटर के 3 बड़े जंबो सिलेंडर उन्होंने हमको रिफ़िल करवा के दिए, जो समथिंग 3 से 4 दिन हमको एक पेशेंट को सपोर्ट मिलता है। तो उससे हमको बहुत बड़ा सहयोग मिला और अभी जो व्यवस्थाएं मेरे पास है वहाँ की, उसमें मेरा ऑक्सीजन पे पूरा फोकस रहता है। उसके आने के बाद से मेरे को खुद को भी बहुत सहयोग मिला कि मैं ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा मुझे ऑक्सीजन के लिए, और आज ज़्यादा ज़्यादा पेशेंट को हम एक साथ ऑक्सीजन लगा सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन फ्लो मीटर की भी बहुत डिमांड थी, तो फिर बाद में उन्हीं की टीम द्वारा हमको 3 से 4 ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी ला के दिए गए। फिर लगातार हमारा विस्तार होता गया, विधायक साहब ने उनकी तरफ से और सांसद महोदय ने करके हमको समथिंग 8 से 9 मशीन हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन हो गई। फिर हम लोग ने जो फंड इकट्ठा किया था उससे भी हमने 5 मशीन और परचेज़ की और फिर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक चालू किया। जो पेशेंट हमने कहीं से भी वो डिस्चार्ज होके आए तो उनको फर्दर सपोर्ट के लिए 5 से 6 दिन जो घर पर सहयोग चाहिए, उसके लिए हमने एक बैंक बनाया, उसमें एक सिस्टम बना के और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक चालू की। अभी हमारी 3 मशीनें ऑलरेडी 3 पेशेंटों के घर पे यूज़ आ रही है। तो ये तो हम चलाते रहेंगे जब तक हमको लगता है कि भाई अभी तो ये चल ही रही है कोविड, उसके बाद भी जब भी ये मेडिकल इक्विपमेंट हमने खरीदे ही हैं तो इसको हम आगे से आगे यूज़ करें, इनकी देख रेख कर सकें। और बेसुदा और भवानी मंडी वालों को हम इसमें सबसे ज़्यादा प्रेफर रखेंगे, फिर यहाँ पर जो हम लोगों ने सहयोग करा हम उस चीज़ को आगे भी, मतलब आगे बनाए रखें, क्योंकि इतने महंगे इक्विपमेंट हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं आज की तारीख में, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते इतनी क्वांटिटी में, तो उनको हम व्यवस्थित तरीके से रख के और उसका पूरा मेंटेन करके सहयोग करते रहेंगे लोगों से। जी, आपका नाम? श्याम मनोहर पाटीदार। श्याम जी, जैसा कि हमने देखा कि पूरे देश, न सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर एक ऐसा संकट छाया जिससे कि पूरी इंसानियत और पूरी इंसानी कौम लड़ रही है। इस दौरान भारत में जो ये लड़ाई का बेड़ा था वो बेड़ा सरकार ने उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी ये ज़रूरत लगी कि लोग आगे आएँ, लोग एक समिति बनाएं या किसी भी तरीके से लोग सरकार की मदद के लिए आगे आएँ। उसी मदद के तहत साईनाथ कोविड सेंटर की जो समिति है, उस समिति ने साईनाथ कोविड सेंटर को खड़ा किया। आप इन समितियों के रोल को कैसे देखते हैं जनता के विकास के लिए और जनता की भलाई के लिए? क्या समितियाँ होनी चाहिए आगे? और बिल्कुल सर, ये समितियाँ होनी चाहिए और इसमें क्या, इन समितियों से गाँव में अगर ये समिति होती है तो हर गाँव में जागरूकता फैल जाएगी इससे। और इस महामारी के टाइम पर ये समितियाँ कंधे से कंधा मिला के उन पूरे गांव वालों का सहयोग करते रहेंगे। और किस किस तरीके, जैसे ये तो एक, जिसे हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्म से संबंधित एक समिति है, और किन किन क्षेत्रों में इन समितियों का निर्माण किया जा सकता है? फिलहाल तो सर इस महामारी, ऐसी महामारी में ही ज़्यादा समितियाँ अगर ध्यान दें तो बढ़िया है, और समितियाँ तो चलती रहती है सर। श्याम जी, आप हमें ये बताइए कि साईनाथ कोविड सेंटर और इस समिति की भविष्य की क्या योजनाएं हैं? अभी फ़िलहाल तो जैसे ये महामारी चल रही है, हम लोग सब एकजुट होकर, और हमने बेसुदा नगर परिषद
और अपनी भवानी मंडी के सारे लोगों को जन सहयोग लेके और जो संसाधन जुटाए हैं उनका हम उपयोग बिल्कुल जनता को दे रहे हैं। और आवश्यकता अगर पड़ेगी, भगवान ना करे ऐसी आवश्यकता पड़े, लेकिन अगर कभी पड़ती है भविष्य में, तो हम और संसाधन जुटा के इसको और अच्छा स्वरूप देके और लोगों का सहयोग करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं सर कि आप एक पॉलिटिकल फिगर हैं, आप राजनीति से आपका सीधा संबंध है, और भैंसोदा मंडी जो है ये एक फलता फूलता सा शहर है, ये काफ़ी प्रगति कर चुका है पिछले कुछ सालों में, तो आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भैंसोदा मंडी के अंदर काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पीछे रहा, तो क्या राजनीतिक स्तर पर, सरकार प्रशासनिक स्तर पर कोई ऐसी योजना है जो आगामी दिनों में भैंसोदा मंडी में स्वास्थ्य से संबंधित कोई योजना है जो शुरू होने वाली? अभी फिलहाल यहाँ पर PSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। वास्तव में यहाँ की जनसंख्या के अनुसार लगभग 20,000 की आबादी है, यहाँ पर SSC होना बहुत ज़रूरी है। सिविल हॉस्पिटल की बहुत आवश्यकता है और हमने इसकी मांग भी कर ली, और हमारी समिति भी मिलके इस विषय को लेकर हमारे जो बड़े जनप्रतिनिधि सांसद जी है, विधायक जी, उनसे चर्चा करके CM साहब तक ये बात पहुँचाएंगे और यहाँ कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल डाले और चिकित्सा में और व्यवस्थाएँ हमारी यहाँ के लोगों को मिले। क्योंकि जिस तरीके के महामारी के दौर से हम गुजरे हैं, उसने हमें कम से कम ये तो सिखाया कि हमारी चिकित्सा जो है वो कम से कम मजबूत होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन बचा रह सकता है। बालचंद जी, आपके बारे में ज़रा आप हमें बताएं, आप कहाँ से हैं, आपकी क्या डिजिग्नेशन? भैंसोदा का रहने वाला हूँ और नगर परिषद का कर्मचारी हूँ। सर, आपके योगदान की काफ़ी चर्चाएँ साईनाथ कोविड सेंटर की समिति के लोगों ने की है, तो ज़रा आप अपने मुँह से बताइए आपने क्या क्या योगदान आपकी तरफ से रहा और नगर परिषद की तरफ से रहा। जी सर, हमारे नगर परिषद में हमारे वरिष्ठ अधिकारी और कोविड सेंटर समिति के जो भी सदस्य हैं, उन सब के आदेश से या जब भी उन्होंने किसी काम के लिए हमें बोला, छाया, पानी और लाइट और भोजन, नाश्ते की, ये सारी व्यवस्थाएं नगर परिषद की तरफ से की गई। और समय समय पे हमारा प्रयास यही रहा कि हम हमारा मतलब हमारे क्षेत्र में जो कोविड सेंटर संचालित है, इस सेंटर पे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और जो भी मरीज आए वो पूरे स्वस्थ होकर के यहाँ से जाए, इसलिए हम दिन रात मेहनत करके पूरी हमारी नगर परिषद की पूरी जो कर्मचारी की टीम है वो हर समय खड़े रहे। साथी हाथ बढ़ाना में एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साईनाथ कोविड सेंटर आज कोरोना महामारी का बोझ अपने कंधे पर बखूबी उठाए यहाँ पर खड़ा हुआ है। भैंसोदा मंडी और भवानी मंडी के समीप खुले इस सेंटर के अंदर लगभग 40 बेड मौजूद हैं, और साईनाथ नर्सिंग कॉलेज के जो छात्र हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ क्षेत्र के भामाशाह, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के MLA, यहाँ की सरकार, इन सब ने मिलकर के इस सेंटर को शुरू किया, जहाँ पर लगभग 40 बेड अभी भी मौजूद हैं और लगभग 45 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी जीत है कि यहाँ पर जनता जो है वो अपनी जान की कीमत, ना सिर्फ अपनी जान की कीमत बल्कि अपने क्षेत्रवासियों की जान की कीमत को बखूबी समझ रही है और इस मुश्किल के दौर में मदद के लिए अपने दोनों हाथ लेकर के आगे आ रही है। खबर 24 से स्वप्निल जैन, धन्यवाद। तो देखा आपने, स्वप्न जैन एंकर ने भामाशाह से बात की और कई तरह की मदद जो है इस साईनाथ कोविड सेंटर में दी है। अगर हमारे मन में भी हम अगर ये सोच लें कि हम किसी की मदद करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे कोरोना महामारी में हम लोगों ने सबकी मदद की है और खबर 24 ने जागरूकता मिशन के लिए वो हर चीज़ दिखाने का प्रयास किया है, जिससे कि कोविड का जो मरीज है वो भी उसको देखकर ठीक हो जाए। और हमने हमेशा निष्पक्षता से खबरें दिखाई है, चाहे वो समाज की खबरें हों, चाहे वो शहर की खबरें हों, चाहे वो गांव की खबरें हों, उन खबरों को दिखाने का प्रयास हमने किया है। तो देखा आपने, संजीवनी बना साईनाथ कोविड सेंटर
आगे भी आपको इस तरह की डॉक्यूमेंट्री, इस तरह की फिल्म आपको दिखाते रहेंगे तो आपके मन में भी भामाशाओं से साथ जुड़ने की हो। और हम बात करते हैं भवानी मंडी के व्यापार महासंघ की, किस तरह से वो कोविड मरीजों को निःशुल्क भोजन दे रहे हैं और लगातार ये सेवा भाव काम जो है प्रीतपाल सिंह अध्यक्ष कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रही है, उनको भी खबर 24 की ओर से साधुवाद धन्यवाद। और साथ ही साईनाथ कोविड सेंटर के जितने भी भामाशाह हैं उनको खबर 24 परिवार की ओर से साधुवाद, क्योंकि इस काम में उन्होंने काफ़ी मदद की है और काफ़ी लोगों को उन्होंने उनके दान पुण्य से ठीक किया है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए खबर 24 न्यूज़, 5 साल बेमिसाल। नमस्कार।